नमस्कार, मैं सतीश कुमार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आया है। जिन किसान भाइयों को पीएम किसान का 13वीं किस्त नहीं मिला था और उनसे पहले का जो किस्त था वो भी नहीं मिला है उनको, तो यहाँ पे उन सब का अकाउंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब उनको जो है 14वीं किस्त के साथ में रुका हुआ जो किस्त है वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप भी अपना रुका हुआ किस्त पाने के लिए आधार लिंक करवाए थे अकाउंट में या फिर नया अकाउंट ओपन करवाए थे, उन सब का जो अकाउंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे कि कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है या फिर नहीं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए तो शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। अगर आप चाहें तो आप अपना मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, सेम प्रोसेसिंग है। आपको चेक करने के लिए आप पीएम किसान का जो ऑफिशियल साइट है इस पे आना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। इस साइट पे आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिशरी स्टेटस, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, ये वाला कैप्चा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कैसे निकलना है, चलिए वो भी बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आप आधार नंबर से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार सेलेक्ट करके यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर देना है। तो ज़्यादातर मोबाइल नंबर ही होता है, चलिए हम मोबाइल नंबर के ज़रिए निकालते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को फिल करते हैं। मोबाइल नंबर फिल कर दिया और यहाँ पे हम कैप्चा को डालेंगे। और यहाँ पे गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे हम, और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आ चुका होगा और यहाँ पे ओटीपी को फिल करेंगे। चलिए ओटीपी आ चुका है, फटाफट फिल कर लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और यहाँ पे नाम भी है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेते हैं, आप चाहें तो इसको लिख कर रख सकते हैं। तो फिर हम बैक जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला पेज पे आना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना है और ये वाला कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है और यहाँ पे ओटीपी को हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ गेट डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल खुलकर आ चुका है और आपको थोड़ा सा नीचे आना है और सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है एलिजिबिलिटी स्टार्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे दिखा रहा है स्टेटस, आधार बैंक अकाउंट सेंडिंग स्टार्ट यस, यानी कि पहले NPCI लिंक नहीं था, अब ये NPCI लिंक हो चुका है और अकाउंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब जो रुका हुआ किस्त है वो आने वाले किस्त के साथ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका स्टेटस में यहाँ पे आपको दिखा रहा है 9, तो आपको इसका भी सोल्यूशन बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर कोई भी अकाउंट अगर आधार लिंक होगा तो यहाँ पे उस अकाउंट का पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा आपके सामने में। तो चलिए हम आपको एक बार चेक करके भी दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये जो है आधार का ऑफिशियल साइट जो है यहाँ पे उसको रीडायरेक्ट कर दिया गया है। और आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पे ये वाला कैप्चा जो है इसको फिल कर देना है।
तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा फिल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे ओटीपी आ चुका है। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है फिर आप चेक कर सकते हैं, अगर नहीं है रजिस्टर्ड तो आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल कर चुके हैं और यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट आधार से लिंक होगा तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया होगा। अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो यहाँ पे कोई भी बैंक नहीं शो कर रहा होगा। अगर शो नहीं कर रहा है तो अभी भी टाइम है, आप अपना अकाउंट को आधार लिंक करवा सकते हैं या फिर नया अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।